अभिशाप के विरुद्ध जन जन तक इस संदेश को पहुंचाने में हर संभव प्रयास करूंगा। धन्यवाद। चलिए बैठ जाइए। दिशा ध्यानी वैरी हैव सम्मेलन में पौड़ी में आयोजित इस बहुत विशाल सम्मेलन में अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, उत्तराखंड सरकार के हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी, कैबिनेट मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, लैंसडेन क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक महंत दिलीप रावत जी, यमकेश्वर क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय रेणु मिश्र जी, पौड़ी विधानसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक श्री राजकुमार कोरी जी, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष आदरणीय पंडित राजेंद्र अंथवाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती शांति देवी जी, राष्ट्रीय महामंत्री महिला मोर्चा दीप्ति रावत भारद्वाज जी, पौड़ी जनपद संगठन की दृष्टि से दो भागों में पौड़ी की जिलाध्यक्ष दीदी सुषमा रावत जी और कोटद्वार के जिलाध्यक्ष भाई वीरेंद्र रावत जी, पूर्व विधायक पौड़ी विधानसभा श्री मुकेश कोहली जी, हमारे पुष्कर काला जी, विजय कपड़वाड़ जी, द्वारिकाल के प्रमुख महेंद्र राणा जी, अन्य सभी हमारे आए हुए प्रमुख गण, जिला महामंत्रीगण, समस्त मंडलों से आए हुए जिला व प्रदेश के सभी हमारे नेतागण, सभी हमारे प्रतिनिधिगण, जिला पंचायत के सदस्य, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, हमारे ग्राम प्रधान, समस्त पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व दायित्वधारी जिला दर्जाधारी पूर्व विधायक व समस्त ब्लॉकों से आए हुए हमारे अनेक संगठनों के दर्जनों पट्टों से आई हुई मेरी मातृशक्ति, मेरे अभिभावक समान, मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, मेरे हार्दिक भाव से जुड़े हुए सभी हमारे युवा साथी, गढ़वाल के कमिश्नर श्री विनय शंकर पांडे जी, आईजी श्री गढ़वाल करण सिंह नगरियाल जी, आज के इस कार्यक्रम का विशेष रूप से संयोजन करने वाले हमारे जिलाधिकारी श्री आशीष चौहान जी, एएसपी श्रीमती जया बलोनी जी, सभी हमारे मीडिया के सभी मित्र उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आज पौड़ी उत्तराखंड की सांस्कृतिक चेतना का एक केंद्र, यहाँ की भूमि, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जैसे महान सपूतों को इस भूमि ने जन्म दिया है, तीलू रोदोली जिन्होंने अल्प आयु में ही महान वीरता प्रदर्शित की, माधव सिंह भंडारी जी जैसे कुशल इंजीनियर इस भूमि ने जन्मने का काम किया है, और जिसके बारे में अभी डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने बताया कि ऐसे महावीर योद्धा जिन्होंने 72 घंटे तक भूखे प्यासे रहकर 300 चीनी सैनिकों को अकेले मार गिराया था, ऐसे महान सपूत जसवंत सिंह रावत जी की आज प्रतिमा का हमने अनावरण किया, उनको जन्मने का काम भी इस भूमि ने किया है। मैं इन सभी विभूतियों को हृदय की गहराइयों से नमन करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ, जिन्होंने हम सबको प्रेरणा देने का काम किया है। स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी को भी मैं नमन करना चाहता हूँ, उनको चूंकि वो भारत के पहले CDS थे और उनका असामयिक हम सबके बीच में से जाना हमारे लिए बहुत बड़ी शोक की लहर थी, बहुत सारी अपेक्षाएं आशाएं उनके रहते हुए हमको थी, हमारे बीच में नहीं है लेकिन वो हमेशा हमारे स्मरण में रहेंगे। पौड़ी जिले में अनेक महान विभूतियां हैं, मैं यहाँ नाम लूँ तो काफी लंबा समय बीत जाएगा। मैं जानता हूँ आज पौड़ी मुख्यालय के नए सिरे से
संवारने की जरूरत है, इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे बहुत सारे काम आज यहाँ पर लोकार्पित हुए हैं, बहुत सारे कामों का आज यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। 850 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं आज पौड़ी जनपद के लिए समर्पित की गई है। मैं इस कार्यक्रम में इतनी अपार संख्या में उपस्थित होने के लिए हमारी माताओं का, बहनों का, और उन्होंने जिस प्रकार से आज हम स्टेडियम से यहाँ तक पहुँचे, आने में कई घंटों का समय लग गया। अपार संख्या में रास्तों में जितने इस पंडाल के अंदर है, धन सिंह जी अभी कह रहे थे इससे कई गुना ऊपर बैठे हुए हैं, दाएं बैठे हुए हैं, बाएं बैठे हुए हैं, ऊपर बैठे हुए हैं, रास्ते में अनेकों अनेक हजारों हजार की संख्या में आप सबकी उपस्थिति के लिए, विशेषकर अपनी माताओं बहनों को मैं, उन्होंने इस प्रकार से हमारा स्वागत किया, अभिनंदन किया, मैं भी आपको दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर मैं प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज जिन योजनाओं की आधारशिला रखी गई है उनके पूरा होने पर निश्चित रूप से इस पूरे जनपद में विकास का एक नया युग प्रारंभ होगा, एक विकास का नया अध्याय लिखा जाएगा, विकास की कहानी आगे बढ़ेगी, पूरा जनपद हमारा उन्नति करेगा, पूरा जनपद हमारा गति को पाएगा, पूरा जनपद हमारा आगे बढ़ेगा। आज खुशी का दिन है, आज हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, देश के उप प्रधानमंत्री रहे लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिला है। मैं उनको भी, आप सब इस पूरे जनपद की जनता की ओर से, आप सब की तरफ से, उत्तराखंड की तरफ से, उनको भी मैं आज बधाई देना चाहता हूँ। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से ये मातृशक्ति का उत्सव, इसके पीछे एक ही हेतु है, जब हम कंडोलिया ठाकुर जी का दर्शन करने के बाद, वहाँ उनसे प्रार्थना करने के बाद नीचे आए, तो हमारी माताओं बहनों का जो हमने वहाँ पर उनके द्वारा स्टॉल लगाए गए थे, समूह के अपने बनाए हुए उत्पादों को उन्होंने प्रदर्शनी में रखा था, और वो कह रही थी कि ये हम सबको मौका देने के लिए आपका धन्यवाद, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। इससे पहले जनपद उत्तरकाशी में, जनपद टेहरी में, जनपद रुद्रप्रयाग में, नैनीताल, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़, सभी जगह पर अपार संख्या में हमारी माताएं बहनें आई हैं, हजारों की संख्या में। उसी प्रकार से आज पौड़ी जनपद में भी हमारी माताओं बहनों ने इतनी विशाल संख्या में आके जो स्नेह दिया है, आशीर्वाद दिया है, हमारा भी उत्साहवर्धन किया है, हम सबके अंदर ऊर्जा डालने का काम किया है, मैं आप सबका ऋणी हूँ। मैं आप सबको अपने हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार तेजी से पूरे उत्तराखंड का विकास इस डबल इंजन की सरकार में सुनिश्चित किया जा रहा है, और हमारा ये जनपद पौड़ी इससे अछूता नहीं है। हमारा प्रयास है पौड़ी का सर्वांगीण विकास हो, और यह क्षेत्र विकास की उन्नति के नए शिखरों को छूने का काम करे, और माताओं बहनों के जो आज विभिन्न समूहों के द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं, निश्चित रूप से इतने अच्छे अच्छे उन्होंने उत्पाद बनाए, अरसे बनाए थे,